हेलो गाइस, सो आज हम बनाने वाले हैं बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, जो हम घर पे बनाने वाले हैं। इस रेसिपी को घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटे के डो को प्रिपेयर करेंगे और हमने इसके लिए हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, जिससे कि डो सॉफ्ट होगा। आटे का डो रेडी हो गया है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो लिट्टी बनाने के लिए हमने लिया सत्तू, बारीक कटी हुई जिंजर एंड गार्लिक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया पत्ता, ये लेमन जूस, एक चम्मच आमचूर पाउडर और ये घर का बना हुआ अचार। तो इन सबको डालकर हम लोग सबसे पहले इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे काला नमक और पहले से बनाया हुआ धनिया पत्ते की चटनी, जिसका रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबको डाल के हम लोग फिर से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा अजवाइन लेके इसमें डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। अब हम लिट्टी का स्टफिंग तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कैसे मैंने इसका शेप बना लिया है। अब हम इसमें पहले से तैयार किया हुआ सत्तू को इसमें डालकर इसको बंद कर देंगे। और हम इसको राउंड राउंड शेप में ऐसे करके इसको रख देंगे। अब हमने लिट्टी में स्टफिंग कर दिया है, अब देख सकते हैं इस शेप में। इसके लिए हमने लिया है स्नैक मेकर, इसमें इस लिट्टी को ऐसे करके डाल देंगे। अब हम एक साइड पकने के बाद इसको उलट देंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से ऊपर से एकदम पक गया है।
हमारा लिट्टी अब बनकर एकदम तैयार है। इसके ऊपर अब हम घी लगा देंगे, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। लिट्टी बनकर तैयार है, अब हम चोखा बनाएंगे। इसके लिए हम लोग बैगन के ऊपर ऑयल लगा लेंगे। और टमाटर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। गैस के ऊपर इसको रखकर हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये पक गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता की चटनी और कटी हुई हरी मिर्च डालकर इसके स्मैशर से स्मैश कर लेंगे। तो हमारा लिट्टी चोखा बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।